सो गाइस, इस वीडियो पे हम इस कैसेट को रख के हम एक आर्ट पीस बनाने वाले हैं। जैसे कि इस कैसेट को हम कैनवस के ऊपर लगा के इसके ऊपर हम एक पेंटिंग बनाएंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, अब मैं ब्लैक कैनवस के ऊपर मैं कैसेट को अलाइन कर रहा हूँ। ये ब्लैक कैनवस व्हाइट ही था, इसके ऊपर मैं ब्लैक कलर पेंट किया था। अब इसे ठीक से अलाइन करके हॉट ग्लू से इसे हम ब्लैक कैनवस के ऊपर चिपका देंगे। ऑलराइट गाइस, अब हम स्केच स्टार्ट करेंगे। अब देख सकते हैं कि कैनवास रेडी है, कैनवास रेडी हो चुका है। इस पे हम स्केच स्टार्ट करने वाले हैं, वायलिन का स्केच। अब मैं बता सकता हूँ आपको, फोटो आप देख सकते हैं। ऑलराइट, मैं अब सेटअप रेडी करता हूँ। ऑलराइट, हमारा लाइटिंग सेटअप अब रेडी हो चुका है। अब हम इस इमेजेस को ड्रॉ करने वाला इमेज है ना, उसे हम इस टीवी पे लगाएंगे। इस पिक्चर को हम इस पे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ करने के लिए मैं वाइट ग्लास मार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लैक सरफेस है थोड़ा सा, इसलिए मैं वाइट पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं इसके ऊपर मास्किंग टेप लगा रहा हूँ, क्योंकि हम प्राइमर अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए मैं मास्किंग टेप अप्लाई कर रहा हूँ। प्राइमर अप्लाई करने से पहले मैं इसे सैंड कर लूँगा, सैंड पेपर से। थोड़ा सा सैंड करने के बाद इसे हम क्ले से इस होल्स को सब हम क्लोज कर देंगे। ये सब अच्छे से ड्राई होने के बाद इसके ऊपर हम व्हाइट कलर प्राइमर अप्लाई करेंगे। इस प्रोसेस पर यूज़ हुआ सारा मटेरियल का नेम मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो जाके चेक कर सकते हैं। अब हम इस पैलेट को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि अब हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। Let's paint. ऑलराइट, हमारा पेंटिंग अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम लगाने के लिए मेरे पास एक बड़ा सा कार्डबोर्ड है, इसे हम कट करके फ्रेम का बॉर्डर्स बनाएंगे। इसलिए मैं 1.5 इंच का एक बार कट कर लेता हूँ, एक छोटा सा एक स्ट्रिप्स जैसा कट कर लेता हूँ। ऐसे ही मैंने 4 स्ट्रिप कट करा है। इसे हम पेपर एंड ग्लू मिक्स करके इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग टेक्स्चर देने के लिए पेपर एंड ग्लू मिला के इसके ऊपर लगाएंगे। ऑलराइट, इतना ज़्यादा धूप है कि मैं इसे पेपर से, हमने वो कार्डबोर्ड को बनाया था ना, उसे मैं टेक्सचर भी बना कर आया हूँ, और उसके ऊपर हम ब्लैक पेंट करके कॉपर का पेंट करके, जैसे कि कॉपर के ऊपर ऑक्सीडाइजेशन होता है ना, जैसे कि स्टैच ऑफ फिबर भी देख सकते हैं, वो कॉपर से बना था, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर आ गया था, वैसा हम इसके ऊपर भी करेंगे, इस फ्रेम के ऊपर। ऑलराइट, फर्स्ट हम एक ब्लैक कलर लेयर अप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर लेयर अप्लाई करने से इसके ऊपर कॉपर पेंट अच्छे से दिखेगा, इसलिए मैं ब्लैक कलर पेंट अप्लाई कर रहा हूँ। ब्लैक कलर पेंट अच्छे से सूखने के बाद अब हम इसके ऊपर कॉपर पेंट अप्लाई करेंगे, जैसे कि स्प्रे बॉटल से हम इसे स्प्रे करेंगे। ऑलराइट, पेंट अच्छे से सूखने के बाद इसके ऊपर हम एक एक्रेलिक पेंट का मिक्सर अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे हम ऑक्सीडेशन का इफेक्ट देने के लिए इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। एंड फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रेम भी मैंने लगा दिया है, दूर से देखेंगे इसका लुक कैसा आ रहा है। ऑलराइट, आप देख सकते हैं कि इसका लुक ऐसा ही है। अब इसे दीवार पे लगा देते हैं। ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।